हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी फेस्टिवल्स टू ऑल ऑफ़ यू। दो देर इज़ नो वन फेस्टिवल जो अभी चल रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आप सबको एक साथ ही विश कर दिया। तो ये वीडियो जो मैं आज बनाने जा रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि ये सैलून वाले कैसे स्कैम करते हैं एक्चुअल में, और उनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो एंड डू वॉच इट। हाँ जी, तो किस्सा है ये, मैं कल लुक सैलून गई थी कौशाम्बी वाले, एंड मुझे ना अपने बालों की हाइलाइट्स वगैरह करानी थी, तो मैं वहाँ चली गई ये सोच के कि चलो यार थोड़ा सा न्यू लुक हो जाएगा करवा चौथ के टाइम पे, और बहुत टाइम से न्यू लुक हुआ भी नहीं है। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने उनको बताया कि मुझे हाईलाइट वगैरह कराने हैं। तो आप ध्यान से सुनना इस बात को, एंड क्योंकि इससे आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो अपने, ठीक है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ट्रस्ट मी, वो सिर्फ आपको दिखा देंगे इनसाइड आउट कि उनका लुक कैसा हो गया, बट वो कितने पैसे देते हैं वो मैं आपको बता दूंगी कि कितने पैसे वो देते हैं एक्चुअल में, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इन्फ्लुएंसर्स की बातों में ना आए, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं और डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखिए, हर कोई पैसे वाला नहीं है यहाँ पे, हर किसी को ना चीज़ें बजट में चाहिए, क्योंकि देखो हर कोई ना बहुत मेहनत से कमा रहा है, ट्रस्ट भी आप भी मेहनत से कमा रहे हो, वो पैसे आपके भी मुफ्त के नहीं है, तो आपका राइट बनता है हाँ या ना बोलने का, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से सुनना कि क्या हुआ वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो फिर उसने मेरे बालों को चेक वेक करा कि हाईलाइट होंगे नहीं होंगे, उसने मेरे को बोला कि आपके बालों की स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो मैंने उसको बोला चलो ठीक है, होगी कम, आई अग्री, ठीक है, क्योंकि मैंने स्मूदनिंग वगैरह करा रखी है, तो हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि उसकी वजह से कम हो गई हो। तो उसने बोला स्ट्रेंथ कम है, इसकी वजह से हाईलाइट्स वैसे वाले नहीं हो पाएंगे जैसे आप सोच रहे हो, थोड़ा ब्लॉन्ड वगैरह करना पड़ेगा, हाईलाइट वगैरह करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मेरे को ब्लॉन्ड तो करवाना नहीं है, मैंने कहा आप एक्सपर्ट हो, आप बताओ आप कैसे करोगे, कस्टमर की डिमांड ये है तो उस अकॉर्डिंग ही तो करोगे ना, आप अपने अकॉर्डिंग तो चलोगे नहीं। तो उसने बोला कि अच्छा आपके बालों में ना कलर करना पड़ेगा पहले तो ब्राउन, उसके बाद फिर आपको कलर देना पड़ेगा हमें अलग से, तभी वो कलर खिल के आएगा। मैंने उसको बोला मुझे मेरे बाल ऐसे ही चाहिए, मेरे को कलर चेंज करवाना ही नहीं है, अब बता इसके बाद तू क्या कर सकता है। तो उसने कहा मैम ऐसे तो हो नहीं पाएगा, मैंने कहा मेरे को नया लुक चाहिए, कैसे करना है वो आपके हाथ में है। मतलब ही गेव अप, ट्रस्ट मी, ये तो स्टाइलिस्ट होते हैं लिटरली, मतलब जिनको कुछ करना ही नहीं है, आए लोग बेवकूफ बन जाएं और तुरंत कर लें। ओके, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे करवाना ही नहीं है, फिर लीव इट। पर वो फिर भी फोर्स करने के कगार पे ही था कि मतलब ले लो, बट वो समझ गया कि मैं नहीं लेना चाहूंगी, तो फिर उसने छोड़ दिया। एंड मैंने उसको बोला था कि मेरे ना थोड़े से फ्लिक्स, मेरे को ये रियलाइन कराने हैं, ये फ्लिक्स थोड़े से अलाइन नहीं है। तो उसने बोला हाँ ठीक है हो जाएगा, बट मैं नहीं करूंगा, कोई और ही करेगा। मैंने कहा फाइन, कोई बात नहीं, मेरे तो कोई भी करे, मुझे तो सर्विस लेनी थी ना। तो मैंने जब सर्विस ली वहाँ पे, तो उसके बाद वो आया वहाँ पे दूसरा वाला बंदा, उसने मेरा स्पा स्टार्ट किया। फिर उसने बोला मैम आपके बालों में ना डैंड्रफ हो रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, डैंड्रफ के लिए करते, क्योंकि डैंड्रफ के लिए मैं इसलिए जेन्युइन बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि डैंड्रफ है एक्चुअल में, क्योंकि सर्दी का टाइम आ गया है, सीजन बदल रहा है, तो स्किन और स्कैल्प दोनों ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने डैंड्रफ के लिए करा लिया। तो बोला डैंड्रफ के लिए अलग से 1000 रुपीज का लगेगा। मैंने कहा फाइन। अब मैं देख रही हूँ कि वो जो ला रहा है वो सिर्फ एक इतनी सी ट्यूब है, वो उसने 1000 रुपीज की लगाई, ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, सर्विस दे रहा है ना, मतलब मालिश वगैरह काफ़ी अच्छे से करी उसने, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कैसे कैसे करा था मालिश वगैरह अच्छे से की, तो मुझे वो पैसे नहीं दुखे, ट्रस्ट में मेरे को कोई पैसा नहीं दुखा। और इनिशियली जब मैं वहाँ पहुँची थी तो मुझे बताया गया था कि 25% का ऑफ चल रहा है सर्विसेज पे करवा चौथ की वजह से। मैंने बोला दैट्स अमेजिंग, दैट्स एपेक्स देन। तो उसके बाद फिर जब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ बैठी, फिर जब मैंने सर्विसेज ले ली वहाँ से, तो उसके बाद का किस्सा तो खैर मैं आपको बाद में बताऊंगी, बीच में क्या हुआ मैं बताती हूँ। फिर मैंने उसको बोला जब वो मेरे बाल ड्राई कर रहा था कि मुझे ना कटिंग भी करवानी थी फ्लिक्स की, तो उसने बोला किसी को बुलाया कोई लड़की है, उसने बोला कि मैम अच्छा कटिंग करानी है। मैंने बोला हाँ कटिंग करानी है, बस मुझे फ्लिक्स करानी है और कुछ नहीं कराना, नीचे से लेंथ वगैरह भी नहीं करानी है। तो उसने बोला मैम करा लो लेंथ वगैरह भी, कब कराए थे? मैंने कहा रिसेंटली कराए हैं तो मुझे नहीं कराना। तो बोली ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ी देर बाद आके बोलती है कि मैम आपका जो ये फ्लेक्स कटेंगे ना इसके भी 750 रुपीज लगेंगे। मैंने कहा 750 सिर्फ इतने से बाल कटाने के? मैंने कहा नहीं चाहिए फिर, देन लीव इट। ट्रस्ट मी गाइस, मैं वहां से ना नेल्स एक्सटेंशन की सर्विसेज भी लेना चाह रही थी, मैं बहुत कुछ लेना चाह रही थी, एंड ट्रस्ट मी आई एम द वेरी ओल्ड कस्टमर फॉर लुक्स,
बट मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि लुक्स ऐसा लुटेरा निकलेगा लिटरली. मतलब इतना लूटा. चलो मैं तो थोड़ी सी दिमागदार थी, मुझे तो पता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. बट मैं देखती हूँ कि जो लोग जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं वो कितना काटते होंगे उनको लिटरली. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस कि क्यों भाई क्यों. ठीक है यार. एंड ट्रस्ट मी गाइज, लोग उनकी बातों में भी बहुत ईजी आते हैं. बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, हर किसी को चाहिए कि वो अच्छा दिखे. ठीक है, बट अच्छे दिखने के चक्कर में प्लीज़ लुट मत जाना, क्योंकि आपका बहुत हार्ड अर्न मनी है और चाहे आप कैसे भी कमा रहे हो. और ये जो इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखाते हैं ना, ये कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का ट्रीटमेंट करवा के आते हैं सिर्फ अपने हेयर हेयर में, प्लस हेयर कलर और स्पा वगैरह सब कुछ. आप एक सिंपल सी बात बताओ, जिस बंदे की सैलरी ही 25 हज़ार रुपये है, क्या वो 25 हज़ार रुपये का ट्रीटमेंट करा सकती है या करा सकता है बंदा? नहीं करा सकता ना, सिंपल सी बात है. तो चूज़ वेरी वाइजली कि आप क्या कराना चाहते हो. ठीक है, वो तो आपको बोलेंगे ये करा लो वो करा लो, पर आप हमेशा सबसे पहले जाके ना रेट लिस्ट चेक करें वहाँ पे कि किस चीज़ का क्या रेट है. क्योंकि ये तो मुंह खोल देते हैं अपना, इनको लगता है कस्टमर को हम जो बोल रहे हैं वो मान जाएगा. सबसे पहले जाके इनका मेन्यू चेक कीजिए, रेट लिस्ट चेक कीजिए, देखिए कि क्या है क्या नहीं है, कितने में है, क्या टैक्सेस हैं या नहीं है. और गाइज बहुत ख्याल रखें इस चीज़ का, टैक्सेस का, जीएसटी का, जब भी आपको बिल वो पे कर रहे हैं. क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभार ये चीज़ें अनएथिकल भी करते हैं सैलों वाले. बट आप थोड़ा सा सतर्क रहें इस चीज़ को लेके. हाँ, तो बात आती है 25% वाले पे. तो जब मैं बिल कराने गई वहाँ पे, तो मैंने बोला स्पा कराया है डैंड्रफ वाला ट्रीटमेंट भी. तो मैडम ने मेरा 2300 कुछ रुपए का बिल काट दिया. तो मैंने बोला कि 25% ऑफ चल रहा था. उसने मेरे से पूछा किसने बोला, मैंने कहा कि इसने बोला. तो उसने बोला मैम मैंने तो नेल सर्विसेज पे बोला था, मैंने सारी सर्विसेज के लिए थोड़ी बोला था. मैंने कहा आपने सारी सर्विसेज के लिए ही बोला था. तो बोल रही नहीं मैम शायद सुनने में प्रॉब्लम होगी होगी ये है वो है. मैंने कहा ठीक है भाई, क्या बहस करती मैं इस चीज़ में उससे, लड़ने तो लग जाती नहीं. मैंने कहा 700 रुपये में क्या जा रहा है, मैंने कहा जा ले जा. फिर पता नहीं मैंने उस मैनेजर से उसका नाम पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? उसने बोला सानिया. तो वो थोड़ी कंसर्न हो गई कि मैं उसका नाम क्यों पूछ रही हूँ एक्चुअली. तो फिर मैंने उसको बताया कि यूट्यूब चैनल वगैरह है, तो मुझे वहाँ आपकी तारीफें डालनी है. तो खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है. अब खुश होकर उसने डिस्काउंट दिया, कैसे दिया आई रियली डोंट नो. उसने बोला कि मैम आपके पास तो इतने 700 समथिंग पॉइंट्स पड़े हैं, तो क्या मैं इन्हें रिडीम कर लूँ? मैंने कहा हाँ कर लो आप. तो उसको करने के बाद समथिंग 1519 करके मेरा बिल पड़ा 1519 रुपये का. और थोड़ा सा मेरे को कंसेशन मिल गया उस चीज़ में. अब मुझे नहीं पता कि वो मेरे पॉइंट्स थे या क्या था, आई डोंट नो. बिल पे तो पॉइंट्स रिडेम्पशन का ही लिख रहा है, बट आई डोंट थिंक कि मेरे इतने पॉइंट्स होंगे. क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने लास्ट सर्विस काफ़ी पहले ली थी, अब याद भी नहीं है कि कब ली थी, शायद प्रेगनेंसी से पहले ली थी आई गेस, या प्रेगनेंसी के बाद. हाँ, प्रेगनेंसी से पहले ही ली थी, हेयर कट वगैरह करवाया था और स्पा वगैरह करवाया था. तो ठीक है, जैसा भी रहा, बट देखो मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा सा ना सोच समझ के जाएं किसी भी सलों में. सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, बहुत सारे सलों हैं, लाइक गीतांजलि है और आपके पास आसपास और भी लोकल सैलॉन्स होंगे. आई नो कि सैलॉन वालों के अगेंस्ट में देखो बिल्कुल भी नहीं हूँ, आई नो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट चार्ज तो उतना ही लोना यार जितना रिक्वायर्ड है. ठीक है, मतलब कि आप सर्विसेज भी बहुत कम दे रहे हो, कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे हो, उसके बाद भी इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हो कस्टमर को जस्ट इन सेक कि आपका बिजनेस चल जाए. ट्रस्ट मी आज चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दिन जाके निकल जाएगा अगर आप किसी को लूटोगे तो. तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस स्कैम. एंड और हाँ, लुक्स वालों की तरफ से डिस्काउंट चल रहा है 25% का. और ऑल्दो मैं इसलिए फिक्स आपको नहीं बता सकती क्योंकि उन्होंने कहीं लिख के लिख नहीं रखा है. ठीक है, आई थिंक क्लीन अप वगैरह पे चल रहा है, कलरिंग सर्विसेज पे चल रहा है. तो अगर आपको कराना है तो आप जा सकते हैं, बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप लोकल से ही कराएं, क्योंकि लोकल्स करेंगे भी अच्छा, और आपको अगर मान लो कुछ शिकायत भी होगी तो भी वो उस चीज़ को जाके थोड़ा सा रिकमेंड कर सकते हैं, कि सोच सकते हैं कि हाँ भाई कि हाँ गलती हो गई है, अपोलोजाइज कर सकते हैं. बट अगर आप
ऐसे सैलून सर्विसेज ले रहे हो, अपोलोजाइज तो कर देंगे वो, लेकिन रेक्टिफाई करने के लिए कुछ नहीं करने वाले. आई हैव ट्राइड दिस मल्टीपल टाइम्स. आई नो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग रहा है, किसी किसी का कर दिया होगा, बट जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रहे हैं तो मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा कोई रेक्टिफाई किया नहीं, बल्कि मेरी चीज़ें बेकार ही हुई हैं. तो पैसे बहुत ज़्यादा दिए मैंने सर्विस के और रिजल्ट मुझे कुछ खास मिला नहीं. इस वीडियो में डाल दूंगी मैं कि मेरे बाल कैसे हो गए थे उसके बाद. बाल ट्रस्ट में मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे. नॉर्मल स्पा से भी आपके बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं. तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जितना कम केमिकल आप अपने बालों पे और अपने फेस पे इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपकी स्किन और आपके हेयर ग्लो करेंगे. आप अपने बालों का और स्किन का दोनों का ख्याल रखें. मेरे को कराना पड़ा केमिकल ट्रीटमेंट बिकॉज मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे प्रेगनेंसी के बाद. तो इस वजह से मुझे कराना पड़ा ताकि मेरे को ज़्यादा मेंटेनेंस ना करना पड़े अपने बालों का. इस वजह से मैंने कराया. बाकी आपको अपने बालों के लिए जो सूटेबल लगे आप वो करा सकते हैं. मैं कोई ये नहीं कह रही कि सब चीज़ें खराब ही होती हैं, हर सैलून खराब होता है, बट जितने मैंने देखे 95% तो हैं, ट्रस्ट मी. बाकी का मैं नहीं कह सकती. हर इंसान खराब नहीं होता, हर बिजनेसमैन खराब नहीं होता, ट्रस्ट मी. डिपेंड्स, हर चीज़ें अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती हैं. तो आपको देखना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आपकी पॉकेट पे क्या भारी पड़ रहा है, क्या सस्ता पड़ रहा है. टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. तो अगर आपको ज़रूर मेरा कॉन्टेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल. आई रियली नीड योर ब्लेसिंग्स गाइज, आई रियली नीड योर सपोर्ट.